हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हो आप 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो भी हमारे पास नंबर दिए गए हैं उनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर क्या होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये हमारा चैप्टर है। और स्क्वायर होता है बड़ा नंबर और स्क्वायर रूट होता है छोटा नंबर। इस बार हमसे पूछा है फाइंड द स्क्वायर, तो मीन्स ये छोटा नंबर है, इसका बड़ा स्क्वायर स्क्वायर क्या होगा। मीन्स स्क्वायर कैसे बताया मैंने, अभी तक कुछ बताया नहीं स्क्वायर के बारे में। आप देखो इसका स्क्वायर निकाल दो, या तो आप इसकी मल्टीप्लाई इसी से कर दो। मींस अगर ये हमारा 32 है और इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर ऊपर दिखाएंगे तो किस फॉर्म में 32 मल्टीप्लाई 32, एक तो हमारा ये है, इससे निकाल सकते हो। कहीं कहीं ये नहीं बोलता ऐसे करो, तो हमारा दूसरा मेथड देखो, आप ऐसे नहीं निकालेंगे हम इसमें, तो हम इसमें एक एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखो कैसे लगेगी वो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन है हमारा 32 का स्क्वायर देना है। तो देखो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 30 + 2 का स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी बन गई मेरी a + b का होल स्क्वायर। तो मैं इसको a + b का होल स्क्वायर समझूंगा, इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b² इस टाइप से लिखा रहता है। कभी कभी भी आगे भी रहता है, तो देख लेते हैं इसी से, इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो 30 का स्क्वायर, तो 30 का नहीं 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और पीछे 0 है, 10 है, तो स्क्वायर होने पर 20, तो 900 प्लस, देखो a का स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई a, a क्या है हमारा 30, मल्टीप्लाई b क्या है हमारा बी हमारा 2, और प्लस कितना हो गया हमारा 2 का स्क्वायर, मीन्स b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर मीन्स 4। तो इस टाइप से हमारा हो गया है बड़ी आसानी से सॉल्यूशन के साथ, हमने इस बस से प्रॉपर्टी लगाई, ना तो हम अभी टफ हो जाता है। तो ये 900, ये देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या हमारा 30 का स्क्वायर हो रहा था ये, और इस ये हमारा 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में लिख देंगे हम 900 प्लस कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 3 12 12 0, मतलब 120 + 4, बस इनका प्लस कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस कितना आ गया हमारा इनका 400, तो 4 202, 9 और 1 10, तो ये लो 1024 इसका आंसर होने वाला है 32 का स्क्वायर। यही होने वाला है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं हमारा 2 3, हाँ ठीक है यही आ रहा है 900, तो हमारा 4 4004, फिर 2 02, फिर 1, यही आ रहा है हमारा फाइनल आंसर, यही है। एक बार रीचेक आपके लिए, हमारा फाइनल आंसर यही है। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमारा, बिल्कुल सेम पैटर्न से करना है आपको, ऑब्जर्व कर लेना है हमारा कैसे प्लस में या माइनस में टूटे गए। हमारा माइनस वाली भी प्रॉपर्टी आपने याद की होगी क्लास में, जब एलजेब्रिक चल रहा होगा, सेवन्थ में भी ऐसी बात नहीं, एलजेब्रिक प्रॉपर्टी हमारी a + b का होल स्क्वायर। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, हम अपना नेक्स्ट पार्ट के लिए हम जो जो जरूरत है उसे ही इरेज करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारा। तो नेक्स्ट पार्ट प्रॉपर्टी तो यही देखेंगे हम, तो मीन्स हमारा सेकंड क्या करना है हमने, 32 का 35 का स्क्वायर। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 30 + 5 का स्क्वायर। अब देखो जरूरी नहीं है ये, हम 40 - 5 भी लिख सकते हैं, 40 - फिर माइनस वाली प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, बट कंफ्यूजन नहीं पालना, जब हमें 30 आ रहा है तो आ जाएगा। तो 30 का स्क्वायर + 2 × 30 × इस बार है b 5 + 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमारा 900 जैसे कि अभी करा था पीछे, प्लस हमारा 5 2 10 10 3 30, तो 300 हो जाएगा यहाँ + 25, तो कितना हो गया हमारा 5 0 5 2 0 0 2, 3 और 4 हमारा 12, इस टाइप से हमारा 12 25 इसका आंसर है, बहुत इजी से निकल रहे हैं। आप भी ऐसे ही निकालना जब आप क्वेश्चन को करोगे, हमने बता दिया है किस चीज की हेल्प लेनी है, स्क्वायर निकाल रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई का सम हम इस टाइप से इसको इजी बना सकते हैं, मतलब प्लस कर रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, और स्क्वायर वाला चैप्टर तो स्क्वायर को लेके भी चलना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम अपना, एरेज कर देता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट पार्ट हमारा थर्ड है, तो 3 क्या है हमारा 86,
86 का स्क्वायर, तो हम 86 को 80 प्लस 6 लिख देंगे स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई b मतलब 6 प्लस 6 का स्क्वायर b का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट हमारा 8 एट 64 और मैंने क्या बोला था जो 0 है तो डबल 0 प्लस हमारा कितना हो जाएगा 6 2 12 हमारा 104 साइड, तो एक बार 8 6 जा हमारा 42 सॉरी 6 2 12 हमारा 12 8 जा हमारा कितना होता है 96 तो 96 0 एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 8 16 16 6 6 6 36 का 6 एंड 6 1 6 एंड 3 96 ही आ रहा है हमारा 12 8 का, कभी कभी टेबल में कंफ्यूजन हो जाती है देख लेना आप 36। अब प्लस करेंगे इसको प्लस दिख रहा है 6 0 0 6 अब 3 6 9 एंड 9 4 9 और 4 हमारा 13 का 3 1 कैरी एंड 7 73 96 इस टाइप का इसका आंसर है। वीडियो पॉज करके नोट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम आपके लिए फोर्थ पार्ट हमारा 71 का स्क्वायर है हमारा फोर्थ पार्ट फोर्थ है पहले हमारा फोर्थ आई बी मीन्स फोर्थ है हमारा 93 मीन्स 90 प्लस 3 लिख देंगे हम इसको और हमारा क्या हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर क्यों कर रहा हूं मैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 81 एंड 00 प्लस 29 जा 18 3 जा हमारा 54 तो 54 0 प्लस 3 9 अब प्लस करेंगे 9 0 0 9 4 0 4 5 1 6 एंड 8 का 8 इस टाइप से इसका आंसर नोट करें वीडियो पॉज करके। बाकी नेक्स्ट पार्ट आपका अभी करते हैं हम आपके लिए करो आप नोट करो दो पार्ट रह गए हमारा फिफ्थ एंड सिक्स आप नोट कर लेना इसको वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट पार्ट हमारा प्रॉपर्टी सब में मैंने सेम ही रख रखे माइनस वाली भी लगा सकते हैं बट माइनस दिखाना पड़ेगा उसके लिए हम इसको इसी प्रॉपर्टी से करेंगे 71 का स्क्वायर करना है इस बार। अगर देखो कभी ऐसे हुआ ना 90 का स्क्वायर तो 90 का बस कुछ नहीं सोचना आपको 9 का स्क्वायर कर देना 9 का स्क्वायर 81 और 0 का 00 आ जाएगा बस ऐसा कर देना। बट ये अभी इस केस में नहीं है तो हम इसी केस में तो लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इजी हो है हमारे लिए तो 70 प्लस 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा हमारा 70 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर बी है हमारा तो 49 00 हो जाएगा प्लस 14 प्लस हमारा 1 का स्क्वायर 1 तो हमारा प्लस करेंगे 1 1 1 हो गया 4 0 4 हो गया 1 9 10 हो गया 10 का 0 फिर 5 हो गया इस टाइप से इसका आंसर। लास्ट पार्ट रह गया है लास्ट पार्ट भी कर देते हैं हम आपके लिए आप नोट करते चले तो देखते हैं लास्ट पार्ट में। तो देखो अपना लास्ट पार्ट देखो आप अपना स्पीड में थोड़ा 46 का स्क्वायर तो 40 प्लस 6 के कन्वर्ट हो जाएगा इस होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर से मतलब हमारा ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई हर जगह ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है हमने तो 40 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बी मीन्स बी 6 प्लस 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट में हमारा 16 00 प्लस 2 4 8 8 6 48 एंड 10 प्लस 36 इस टाइप से प्लस जब करेंगे 6 0 6 3 8 11 11 का 1 फिर हमारा 1 हो गया 11 का 1 फिर हमारा 5 एंड 6 11 दोबारा फिर 1 कैरी 2 तो इस टाइप से इसका आंसर है हमारा 21 16 इस टाइप से हमारे आंसर होने वाले थे। आप वीडियो पॉज करके नोट करें। बाकी इसमें देखो हमने क्या करा है एक एलजेब्रिक प्रॉपर्टी की हेल्प ले ली और हमारे स्क्वायर निकल गए बड़ी इजी तरीके से।
ताकि इजी तरीके से क्यों निकले, अगर हमारे पास किसी नंबर के, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये मान लिया 36 लिखा है, 36 लिखा है और एक 30 लिखा है, तो हम किसका स्क्वायर स्पीड में निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे 3 का स्क्वायर कर दूंगा 9 और पीछे 00। अब इसको 36 को मैं पहले 30 में कन्वर्ट करूंगा, तो मुझे 30+6 में कन्वर्ट करूंगा ताकि 30 का स्क्वायर हम बड़ी स्पीड में निकाल सकते हैं। इस टाइप से इसी वजह से हमारा ये प्रॉपर्टी लगी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे 5.2 का, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है, बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपके लिए सेकंड क्वेश्चन। धन्यवाद।